वेलकम दोस्तों। और दोस्तों संघर्ष को अपना डर नहीं अपना हथियार बनाओ। दोस्तों ये चीज नीदरलैंड ने साबित कर दी। दोस्तों कल नीदरलैंड वर्सेस यहां पर साउथ अफ्रीका का मैच था भाई साहब, नीदरलैंड ने एक अमिट अक्षरों में इतिहास रच दिया। दोस्तों जो नीदरलैंड टीम है ये जीत उनके लिए और उनके देश के लिए, उनके जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए भाई साहब ये गौरवपूर्ण क्षण है दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम दोस्तों साउथ अफ्रीका जो कि अब तक इस वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक टीम नजर आ रही थी भाई साहब, उसको यहाँ पर धो डाला है और एक तरह से नीदरलैंड ने अपने जीत का यहाँ पर आगाज कर दिया। दोस्तों वैसे भी जितना संघर्ष करके वो टीम यहां तक आई थी भाई साहब, उसको यहां पर अकेले में नहीं लिया जा सकता, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नीदरलैंड की टीम है भाई साहब वो यहां पर वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे जैसी टीमों को यहां पर हरा के यहां तक पहुंची है, तो भाई साहब उसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहां पर जो साउथ अफ्रीका वर्सेज नीदरलैंड मैच था इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड ने यहां पर 245 रन 8 विकेट खो के बनाए, पर भाई साहब इनकी जो बल्लेबाजी थी वो खतरनाक थी और उसी के सामने जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज थे वो यहाँ पर पस्त हो गए। और दोस्तों एक तरह से जो साउथ अफ्रीका थी उसका जो विजय रथ चल रहा था दोस्तों, उसे यहाँ पर भाई साहब बड़ी टीमों से तो जो विजय रथ था वो रुक ही नहीं रहा था, पर यहाँ पर जो नीदरलैंड टीम थी उसने यहाँ पर संघर्ष के बल पर जो साउथ अफ्रीका का विजय रथ था उसे रोक दिया और भाई साहब एक तरह से करारी हार दिए। दोस्तों जो भाई साहब जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे साउथ अफ्रीका ने, सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट स्कोर बनाया था, सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी एडम मार्करम भाई साहब, इनकी एक की भी नहीं चलने थी, टेमा बबुमा डेविड मिलर भाई साहब एक की भी नहीं चली नीदरलैंड के सामने। नीदरलैंड के बॉलिंग अटैक और बैटिंग दोनों भाई साहब एकदम परफेक्ट रहा है, इसी वजह से जो नीदरलैंड है भाई साहब उन्होंने यहाँ पर मैच जीता है। दोस्तों यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट स्कोर डेविड मिलर जिन्होंने 52 बॉल में यहाँ पर 43 रन की पारी खेली, इसके साथ ही केशव महाराज जिन्होंने 37 बॉल में 40 रन की पारी खेली। और इसके साथ अगर बॉलिंग अटैक की बात करें साउथ अफ्रीका का भाई साहब, इतना जितने बड़े नाम थे उतना बड़ा काम उन्होंने नहीं किया दोस्तों, अगर किया होता तो यहाँ पर नीदरलैंड जैसी टीम से तो भाई साहब जीत सकते थे, क्योंकि अभी तक जितनी बड़ी बड़ी टीमें हैं भाई साहब अभी तक तीनों मैच जीते थे साउथ अफ्रीका ने, और वो भी बड़े बड़े मार्जिन से भाई साहब, टेबल टॉप थी वो, 100-200 रन के बड़े मार्जिन से यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर जीत हासिल की थी और एक तरह से वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक टीम नजर आ रही थी। अगर बॉलिंग की बात करें साउथ अफ्रीका की, जेनसन ने भाई साहब 2 विकेट लिए हैं और रबाड़ा 2 विकेट, लोंगेनिंगेड़ी 2 विकेट, पर भाई साहब ये एक तरह से इनकी जो इकोनॉमी रही है वो 6-7 की रही है, क्योंकि दोस्तों इकोनॉमी वो भी नीदरलैंड के सामने तो इतनी खास नहीं थी दोस्तों, 245 रन तक नीदरलैंड पहुंची है। और सबसे खास बात दोस्तों जो नीदरलैंड थी उनके भाई साहब 34 ओवर में 141 रन थे और उन्होंने भाई साहब 7 विकेट खो दिए थे, पर भाई साहब जो बाद में उन्होंने रेस जो खींची वो तगड़ी थी, उन्होंने जो लास्ट के 9 ओवर थे उनमें भाई साहब 104 रन बना डाले, वो भी रबाड़ा जैसे बॉलर, एक तरह से जो पहले मैच थे उनमें बैटर्स को पसीना यहाँ पर पसीना आ गया था इनको खेलते वक्त, पर आज इनकी ऐसी पिटाई हुई कि दोस्तों एक तरह से जो इतिहास रच दिया इन्होंने भाई साहब। अगर नीदरलैंड की बात करें तो सबसे जो मैच विनर रहे हैं दोस्तों एक नाम है रिलॉप वैन डर मरवे, जिन्होंने भाई साहब यहां पर नीदरलैंड के लिए बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही कमाल किया है दोस्तों, इन्होंने 9 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट भी झटके हैं और एक तरह से 19 बॉलों में 29 रन की पारी भी खेली है। दोस्तों ये बंदा पहले साउथ अफ्रीका में भी खेलता था पर वहां से फिर नीदरलैंड और अब नीदरलैंड के लिए खेलता है और एक तरह से वर्सेस साउथ अफ्रीका भाई साहब वो खतरनाक था और आज ये भाई साहब मैच विनर पारी खेल के गया। और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी साझेदारी हुई नीदरलैंड के लिए वो एडवर्ड और यहाँ पर वैन डर मरवे के बीच हुई 60 रन की यहाँ पर साझेदारी हुई और वही सफल हुई। और इसके बाद में सबसे जो लास्ट के 9 ओवर थे भाई साहब उसमें 104 रन लेना वो कमाल का रहा। और इसके बाद में दोस्तों 10वें नंबर पर भी जो बैटिंग थी भाई साहब नीदरलैंड की वो कमाल थी, यहाँ पर आर्यन दत्त जिन्होंने लास्ट में भाई साहब 9 बॉल में 23 रन की पारी खेली जिनमें 3 छक्के शामिल थे, और भाई साहब कमाल तो फिर जो कैप्टन साहब थे उन्होंने कमाल कर दिया और एक तरह से उनकी कैप्टेंसी को भी सलाम है भाई साहब, ऐसे कैप्टन जो फील्ड पर भी कमाल करते हैं और अपनी बैटिंग से भी कमाल करते हैं। दोस्तों जो कैप्टन थे एडवर्ड उन्होंने 69 बॉल्स में 78 रन की काफी कमाल पारी खेली है और एक तरह से जो मैच विन पारी थी वो एडवर्ड के बल्ले से आई। दोस्तों इस वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो कैप्टन को प्लेयर ऑफ द मैच या तो जो हमारे रोहित शर्मा है उनको मिला था या फिर जो एडवर्ड है उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था।
दोस्तों यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका है भाई सब उसकी एक ही परेशानी रही है कि वो जो फर्स्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट होते हैं उनमें फर्स्ट के मैचों में वो जीत जाती है पर लास्ट के मैच में पता नहीं उनको क्या हो जाता है। दोस्तों फर्स्ट मैच वो जीतते आ रही थी और पर उनके विजय रथ को यहाँ पर जो नीदरलैंड थी उन्होंने रोक दिया। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट के ओवर में भाई साहब 16 रन 43वें ओवर में 16 रन जाना वो भी रबाड़ा के ओवर में भाई साहब बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट था नीदरलैंड के मैच में, इसमें एक पर्ची आई थी मैदान में वो भाई साहब एडवर्ड ने खोली और देखा कुछ था उसमें और उस पर्ची को पढ़ने के बाद जस्ट विकेट मिल गया। तो भाई साहब ये पर्ची वाला भी कुछ कमाल था। पर दोस्तों अगर बात करें साउथ अफ्रीका की क्या परेशानी, बल्लेबाजी टॉप भाई साहब ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं इन्होंने कि आज दिन तक किसी ने नहीं तोड़ा। हाईएस्ट जो रन बनाया था 428 वो भी साउथ अफ्रीका ने बनाया था। भाई साहब अच्छे अच्छे बैट्समैन को यहाँ पर जो बॉलर्स हैं इनके वो भाई साहब पसीना आ जाता है बैट्समैन को। पर दोस्तों इनका पता नहीं क्या जाने क्या रहा है। दोस्तों एक तरह से जो कैप्टन हैं बबूमा वो भी एक तरह से शानदार फॉर्म में नहीं है, उनके बल्ले से भी तीनों मैच में अभी तक रन नहीं आए। तो दोस्तों एक तरह से जो इनके बल्लेबाजी और बैटिंग फील्डिंग कहीं भी कुछ आज जो कल का मैच था नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका उसमें कहीं भी नजर नहीं आया। और दोस्तों यहाँ पर इसी वजह से जो नीदरलैंड थी उसने बाजी मार ली और अपने वर्ल्ड कप की पहली जीत यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हासिल कर ली। दोस्तों